নেকি ভাই আপুনি

कह लीजिए अपनी रूटीन ये रखी वैसे भी हमारे जहनों में तो वो फैंटेसी है ना आप जानते ही हैं कि हमारा झंडा जो है वो पूरी दुनिया में लहराएगा पूरी दुनिया में गाड़ा जाएगा सबको फतह करना है और सबके ऊपर हमने हुक्मरानी करनी है लेकिन ये जो है ये क्रिकेट टीम की ये जो रूटीन है ये इसका स्टार्ट किया था सकलैन मुश्ताक ने और सकलैन मुश्ताक ने ये किया कि जब भी आप ये नेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं नेट सेशन होता है यानी जो मैच होता है उससे एक दो दिन पहले से जो नेट प्रैक्टिस शुरू हो जाती है उसमें ये अपने मुल्क में हो या कहीं भी मेरा ये ख्याल है कि हर जगह तो ये अपना जो फ्लैग है वो पहले लगाते हैं उसके बाद नेट प्रैक्टिस का आगाज़ करते हैं अब इन्होंने बांग्लादेश में भी यही किया कि वहाँ पर नेट प्रैक्टिस जब शुरू हुई तो अपना फ्लैग जाके लगा दिया अब पाकिस्तान का फ्लैग देख कर बांग्लादेश के लोगों को आग लग गई और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए यानी वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए आप ये देखिए इसकी वजह ये है कि वहाँ के जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने तो गुस्सा दिखाई बल्कि बांग्लादेश के जो मिनिस्टर हैं हसन मुराद उनकी तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तानी टीम झंडे समेत वापस भेजो रिटर्न दम बैक टू देयर कंट्री आ, इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाया गया कि इन्होंने ये झंडा ये फ्लैग यहाँ पर क्यों लगाया इसकी कुछ डि डि डिटेल्स मैं आपको बताया देती हूँ कि हुआ क्या देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये प्रैक्टिस रहती है कि वो ये काम करती है मैंने देखा कि यह सक्लैन मुश्ताक ने शुरू किया था और उसके बाद से ये जब भी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले अपना वहाँ पर जो है वो परचम लहराते हैं और फिर जो है वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो ऐसे ही बांग्लादेश में शुरू किया मेरा ख्याल है कि इतना सेंसिबल uh, इंसान को होना चाहिए कि आप एक जब एक ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जो कभी आप ही का हिस्सा था उसके बाद वो वो अलहदा हो गया और उस दौरान जो कुछ हुआ आप टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते रहे होंगे वो सब कुछ और वैसे भी पूरे पाकिस्तान को क्या पूरे uh, बांग्लादेश को पूरे भारत को पूरी दुनिया को मालूम है ये बात ठीक है उस दौरान जो कुछ हुआ तो जब इतना सेंसिटिव मामला हो तो मैं ये समझती हूँ कि इस तरह का ख्याल रखना चाहिए लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी जो सोच है वो तो ये है कि सेंसिटिव मामला ऐसा तो तब तो ज़रूरी लगाओ बल्कि चार छः झंडे गाड़ दो जाके वहाँ पे ज़्यादा लगा दो ताकि मजीद जलन और वो हो तो मुझे नहीं पता वहाँ पे ऐसे कुछ ख्याल था या नहीं था ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा हो, होता है यहाँ पे हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये सोच के कहते हैं कि फिर तो भाई और भी लगाओ भाई फ़तः करने का एक जो एक जज्बा होता है लेकिन जाहिर है कि हमारी क्रिकेट टीम जो है मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई ऐसा इरादा होगा उन्होंने तो जो वो करते हैं उन्होंने वो किया लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पे कहते हैं जैसे ही हुआ तो वहाँ पे एक हंगामा खड़ा हो गया एक परेशानी का आलम था और हर कोई इस बात पे नाराज़ था और सोशल मीडिया पे भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा यानी कॉमेंट्री की गई और नाराज कॉमेंट्री नज़र आई है जो बंगलादेश के व्यूवर्स हैं क्रिकेट देखने वाले क्रिकेट लवर्स जो वहाँ के रहने वाले हैं उनकी तरफ से कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की ज़मीन पर अपना फ्लैग क्यों लगाया बांग्लादेशी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुराद हसन ने यह कहा कि वो बहुत ही इमोशनल महसूस हुए इस मौके पर और उनका यह कहना था कि ख़ास तौर पर जब हमारे बाबा बंगला शेख मुजीब की सालगिरह है और हम अपनी आज़ादी की पचासवीं सालगिरह मना रहे हैं उनकी आज़ादी और हमारी तरफ से फॉल ऑफ ढाका की वो पचासवीं सालगिरह मना रहे हैं तो ऐसे मौके पर पाकिस्तान की तरफ से अपना फ्लैग यहाँ पर आकर लगाना ये किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है आ, हम सालगिरह मना रहे हैं शेख मुजीब की और हमारी ये आज़ादी की पचासवीं सालगिरह है और पाकिस्तान आकर अपना फ्लैग लगा रहा है इससे पता चलता है कि जो बंगलादेश के लोग हैं उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए क्या आते हैं क्या एहसास हैं ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है ये सब के सामने है इसकी वजह ये कि ये जो कुछ हुआ फॉल ऑफ ढाका मशरक़ी पाकिस्तान का अलहदा होना बांग्लादेश बन जाना रहमान कमीशन रिपोर्ट आ गई उनकी तरफ से भी कमीशन रिपोर्ट होगी वो भी आ गई होगी जो भी हुआ तो इस दौरान बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि बांग्लादेश के लोगों के दिलों में हमारे लिए क्या एहसास हैं और हमारे भी दिलों में हम तो खैर पहले से ही उनको पसंद नहीं करते जो कुछ हुआ 71 की बात जो की जाती है उससे पहले से हम तो पसंद नहीं करते तो वरना ज़ाहिर जो कुछ हुआ उस दौरान भी बहुत कुछ लिखा गया सब कुछ किया लेकिन वो जो है हमें कितना हमारी तरफ उनके क्या एहसास आते हैं उससे हमें ये पता चलता है मतलब बड़ा ही एक सेंसिटिव इशू है ये और मुझे इसलिए बहुत अजीब लगी ये खबर के एक तो के मैं ये समझती हूँ अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे इसमें गलती किसकी है देखें एक तो ये बात कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हम बड़ा उनसे जो है मुहब्बत करते हैं और बड़ा उनको हाई प्रोफाइल में रखते हैं बड़ा लाइमलाइट में रखते हैं बहुत अच्छी बात है उनके ऊपर तनकीद भी बहुत ज़्यादा होती है बेचारे जब हार के आते हैं तब तो हम बिल्कुल उनको बहुत उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं लेकिन ये कि उनको ये सोचना चाहिए था वो एक काफ़ी सेंसिबल सारे क्रिकेटर्स हैं होना चाहिए अगर नहीं है तो वहां पर पहुंचकर उनको यह सोचना चाहिए था कि हम जब किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं ना मसलन आप यूके में जाकर यह कर, कर लें आप यूरोपियन कंट्रीज में जाकर यह कर, कर लें आप ऑस्ट्रेलिया Australia...